बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक से वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस है। जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया था, तो आज हम डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम वो टू मेथड से अप्लाई करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सर कैसे किन किन तरीकों से सॉल्व होता है। तो पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है ग्राफ, ये जो है ना डॉटेड लाइंस, और ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। एक बॉडी है, ये इनका इनिशियल वेलोसिटी है, ये ओ है, ये ए, ये बी है, और ये B है, ये C है, और ये हमारे साथ D है, ठीक है। तो एक बॉडी है, उसी पर हम लेंगे कि ये हमारे पास है टाइम, और O है जो हम ले रहे हैं वो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो बी सी या पोजिशन है तो उनको हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हम कहेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है, कंसिडर करें कि एक बॉडी है और उनका इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और इनका फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। टाइम के साथ साथ और उसी उनका जो है ना वो टाइम है, और ये इनमें एक्सेलरेशन जो चेंज हुआ है, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जब टाइम के साथ चेंज आता तो उनको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी में चेंज आया टाइम के साथ, तो इसका इसने जो फासला कवर किया वो है डिस्टेंस। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो ए और बी है ना, तो ये क्या है, ये इसका डिस्टेंस है, उन्होंने फासला तय किया, तो किस में टाइम एक्सिस टी में। तो हम इसने जो मतलब क्या डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया है, ठीक है, तो हम लेंगे उन्होंने डिस्टेंस कौन सा कवर किया है, ये उसे लेकर ए मतलब के बी तक, ये उसी तो टाइम है, टाइम के साथ साथ इसने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर किया, या तो यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ ओ ए तक। तो हम कहेंगे कि उन्होंने जो फासला कवर किया तो वो बराबर है हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसने जो फासला कवर किया वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। ये इस ओ ए बी सी को पर मैं यहां इन्हें अकेला कर देता हूं, ये है ओ ए बी सी, इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम सेट, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम सेट, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का वक्त हमारे पास किस चीज के बराबर है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, और ओ ए बी सी है जो फिगर, फिगर ओ ए बी सी है, ठीक है, या एरिया भी लिखते हैं कि फिगर ओ ए बी सी के बराबर है, ये उसने जो फासला का किया। डिस्टेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये एरिया ओ ए बी सी हमारे पास किस चीज की बराबर है, ट्रेपीजियम की। तो हम यहां लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ हमारे पास बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो फर्स्ट हम तो यहां करेंगे कि हम ट्रेपीजियम्स को एरिया का, हम ट्रेपीजियम्स का एरिया मालूम करेंगे। तो ट्रेपीजियम हमारे पास बराबर है के सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टू, ठीक है, ये हमारे साथ ट्रेपीजियम्स के बराबर है, ठीक है। हम यहां लेंगे कि इस फिगर में पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, तो ये ओ ए
और बीसी हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे साथ पैरेलल लाइन से, इस ट्रेपेजियम का ये पैरेलल लाइन है OA, और बीसी हमारे पास क्या चीज है, ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड से, तो हम लिखेंगे OA। ठीक है, क्या करना है, सम सम मीन एडिशन, OA प्लस दूसरा साइड कौन सा है, BC है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे BC। ठीक है, ये तो पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाइट क्या है, हाइट हम ये टाइम एक्सिस हाइट लेंगे, OC हमारे पास क्या चीज है, टाइम। ठीक है, और यहां हम क्या लिखेंगे, टू अपनी जगह लिखेंगे। अब आप लोग यहां देख लीजिए कि OA हमारे पास बराबर है BI का, BC हमारे पास बराबर है BF का, और OC हमारे पास बराबर है T का, तो हम इसकी वैल्यूज को यहां पुट करेंगे। ठीक है, हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगा, OA हमारे पास बराबर है BI का प्लस लगाएंगे, BC हमारे पास बराबर है BF का, तो हमने क्या लगाया, VF, और OA जो है ना दोनों VI के बराबर है यहां ग्राफ से, और मल्टीप्लाई बाय OC हमारे पास जिसकी बराबर है वो बराबर है टाइम का, तो हम यहां लगाएंगे T, और ये है डिवाइड बाय 2। अब तो यहां तक सॉल्व हो गया, लेकिन हमें T की वैल्यूज चाहिए, तो T का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो जैसे कि हमको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज का बराबर था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास बराबर था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इससे हम क्या चीज निकालेंगे, इससे हम टी, टी की वैल्यू निकालना है, तो हम टी को अकेला छोड़ेंगे, तो क्या करना है, VF को अपनी जगह रखना है और VI को हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ इनकी साइन क्या है, प्लस है, तो जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के अलावा तक चेंज हो जाएगी, और ये AT अपनी जगह आना है। ठीक है, हमें तो T की वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT, हमें तो T की वैल्यू मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी a डिवाइड करेंगे और यहां भी a डिवाइड करेंगे, a तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो t हमारे पास बराबर है vf माइनस vi डिवाइड बाय a। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम t की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो फिर देख लीजिए कि हमारे पास जो है ना एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी vi है, फाइनल वेलोसिटी vf है, और टाइम जो है ना t है OC एक्सिस में, ये जो ये डिस्टेंस कवर करता है तो उनको हम ab कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और OC जो है ना ये x एक्सिस पे है, तो हम कहेंगे कि इसने जो एरिया कवर किया तो वो OABC तक कवर किया, तो OABC क्या चीज है, OA हमारे OABC को हम ट्रेपेजियम कहते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस कवर तो ऐसा है डिस्टेंस इससे, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC है, तो ट्रेपेजियम किस चीज के बराबर है, वो बराबर है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2। तो इसमें पैरेलल साइड कौन कौन से है, ये OABC हमारे पास पैरेलल साइड्स है, ये पैरेलल साइड्स, तो OA किस चीज के बराबर है, VI, BC किस चीज के बराबर है, VF, OC किस चीज के बराबर है, T के बराबर है। ठीक है, और टू अपनी जगह आया। अब हम यहां देखेंगे कि ये तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन T का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, हमें T की वैल्यूज चाहिए, तो हम T को अकेला रखेंगे, तो क्या करना है, पहले तो VI यहां शिफ्ट करना है इधर से, तो ये प्लस है, जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी अपनी जगह आ जाएंगे, तो अब टी की वैल्यू फाइंड, तो ए यहां भी डिवाइड करेंगे, ए यहां, तो ए को दोनों तरफ डिवाइड क्या किया, तो हमारे पास टी की वैल्यू आया। ठीक है, अब चलते हैं कि
कि यहाँ पर हम टिकी वैल्यू सपोर्ट करेंगे। जब हम यहाँ टिकी वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जब हम यहाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ टी के, तो आप लोग इस यहां से देख लीजिए, ठीक है, तो वी आई अपनी जगह आ जाएगा, प्लस वी एफ अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है, और ये टू अपनी जगह आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी है तो टी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने निकाला, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ए, ठीक है, ये ए है। अब यहाँ देख लीजिए कि वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई और टू को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ, तो हम एस लगाएंगे, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से शुरू करना है कि एस हमारा ए गया ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम तो ये आ रहा है ना, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एस एस लगाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक फार्मूला याद होगा, ठीक है, वो कौन सा है, वो फार्मूला है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई इस वो यहां सेव करेंगे तो क्या आएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आएगा। तो हम भी यहाँ इसकी जगह क्या लगाएंगे, तो इसकी जगह हम ये लगाएंगे कि इनसे क्या आता है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो हम यहाँ लगाएंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए। हमें अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एस के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो वन तो है ना, वन है, तो वी एफ स्क्वायर माइनस ए और टू ए मल्टीप्लाई बाय एस एफ, तो ये क्या, टू ए मल्टीप्लाई बाय एस एफ, और वन जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, एनीथिंग जो भी चीज वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वही आएगा, वन जब हम वी एफ स्क्वायर माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब टू ए मल्टीप्लाई टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तो हमारे साथ जो है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये ग्राफिकल मेथड्स के जरिए हमने सॉल्व किया। अब हम इनको एक जनरल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, इजी मेथड्स है, तो वो कौन सा मेथड्स है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इनको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ठीक है, सेकंड जो मेथड्स है, सेकंड मेथड्स है, ठीक है, सेकंड मेथड्स, तो सेकंड मेथड कौन सा है, ठीक है, तो सेकंड मेथड्स जो है ना, हम करेंगे कहेंगे कि फर्ज करें एक बॉडी है वो डिस्टेंस का है और एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम्स है, ठीक है, हम कहेंगे कि एक बॉडी है और वो एवरेज वेलोसिटी के साथ मूविंग करता है और उसने डिस्टेंस फासला का क्या और टाइम टेकिंग टाइम टी क्या लिखेंगे हम, एस इज इक्वल टू बी टी। हम क्या कहेंगे कि कंसिडर फर्ज करें हमारे पास हमारे एक बॉडी है और वो एवरेज वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो
उनका इस डिस्टेंस है और वो जो टाइम खर्च कर रहा है, टाइम लेता है, वो तो टी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जिस किस चीज एवरेज हो, तो एवरेज वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम सर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि टोटल वेलोसिटी क्या है, तो वो हमारे पास है इनिशियल प्लस फाइनल। ये हमारे पास क्या है? टोटल वेलोसिटी है। तो दो है, तो हम क्या टू पे डिवाइड करेंगे, टोटल बताया ना, तो टोटल क्या है? टू है, यह करेंगे। और ये टी टी तो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर ले आया। ठीक है, अब हमको टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो टी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हम यहाँ टी की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना है? पहले तो हम वी आई को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में, तो क्या है जाएगा? माइनस, वी एफ माइनस है वी आई, और ये ए टी अपनी जगह आ जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब हमें टी फाइंड करना है, तो क्या करना है? इसको अलहदा छोड़ना है, तो अलहदा छोड़ने के लिए ए को हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ए को हम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा? वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो इस टी की वैल्यू हम क्या इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वन में पुट करेंगे, पुट एन वन। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे एज अ वन में पुट करेंगे। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय, और टी की वैल्यू क्या है? वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, और ये क्या है? ए। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू, पहले भी बताया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे साथ बराबर, पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, ये किस चीज के बराबर होगा? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये ए प्लस बी और ये माइनस बी मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला है, तो ये किस चीज के बराबर है? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और टू के टू मल्टीप्लाई बाई ए, तो टू ए। ये कहां से आया? वी ए प्लस बी एफ, तो यहाँ फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किस चीज के बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे वी एफ स्क्वायर इनके साथ, और ये इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू ए मल्टीप्लाई बाय एस करेंगे, और ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वन तो हम जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या जाएगा? वन ही आएगा। तो ये टू ए एस अपनी जगह आएगा, और ये है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। ये अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी मुस्तफीद हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।